अस्सलाम वालेकुम तमाम वेली भाइयों और बाकी देखने वाले हजरात को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। मैं हूं आबिद बशीर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं आबिद बशीर ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है ये एक सर्विस के रिलेटेड है जो हाल ही में हमारे सीएससी पोर्टल पे या हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉन्च हुई है। आज की जो ये सर्विस है ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है सभी सीएससी वीएलईज के लिए, और इस सर्विस के लिए बहुत सारे वीएलईज जो है वो ढूंढ रहे थे कि इसके लिए कहाँ पे अप्लाई करना है, और ये हर एक के लिए ये जो सर्विस है ये अवेलेबल नहीं थी। तो ये कुछ खास लोगों के लिए अप्लाई अवेलेबल थी इससे पहले। अभी सीएससी ने एक इनिशिएटिव लिया है, इसको अभी इन्होंने सीएससी पोर्टल में लॉन्च किया है। अभी इसमें थोड़ी सी जो सर्विसेज है अंदर से वो चालू हो गई हैं, और इनको अभी बाकी सर्विसेज को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा चालू होने में। आज हम इसी के रिलेटेड बात करेंगे कि इसके लिए हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो सर्विस है वो एफिडेविट या ई स्टैम्प की जो सर्विस है या एफिडेविट की जो सर्विस है उसी के रिलेटेड हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले अपने एक ब्राउजर में आएंगे, यहाँ पे क्रोम में मैंने अपना जो अकाउंट है वो पहले ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है, तो इसको मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा। जिस बंदे को ये जो सर्विस है वो शो नहीं होगी रिसेंट्स में या न्यूली अराइव्ड सर्विस में, तो उसको सेटिंग में जाके वहाँ पे कैची जो है कैश मेमोरी वो क्लियर करनी है या हिस्ट्री अपनी क्लियर करनी है सारी। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हम अपनी जो सर्विस है या हम अपना जो अकाउंट है उसको हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी इसमें लॉगिन है, तो मुझे ये अभी चाहिए नहीं, इसलिए मैं इसकी जो मेमोरी है इसको मैं रिमूव करूँगा ताकि मैं फ्रेश एप्लीकेशन का फॉर्म भर सकूँ। तो इसलिए मैंने एक बंदे से उसकी आईडी और उसका पासवर्ड लिया है, और उसी पासवर्ड और आईडी के थ्रू मैं लॉगिन करूंगा और उसकी जो आईडी है उस पे मैं ये सर्विस जो है एक्टिवेट करूंगा। तो आप भी देखेंगे इसी वीडियो में कि किस तरह से इस सर्विस को हम एक्टिवेट करते हैं। चलो हम यहाँ से अपनी वो आईडी जो है वो यहाँ पे मैं लॉगिन करूंगा। यहाँ से मैंने कर दी अपनी जो आईडी मेरे पास थी नई वो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दी है। अब हम क्या करना है, हमें नीचे आना है स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे न्यूली अराइव्ड सर्विस में देखना है हमें, यहाँ पे इजी गवर्नमेंट यानी इजी जीओवी इजी गवर्नमेंट की एक नई सर्विस आई है, इस पर हमें क्लिक करके राइट साइड में जाना है। राइट साइड में व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके हम आएँगे लाभार्थी .in DSC पोर्टल में। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें लॉग इन डिजिटल सेवा पोर्टल से करना है नीचे। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके हम आएंगे इस वाले पोर्टल में, यहाँ से हमें इसको ऑथोराइज करना है, यस पे क्लिक करनी है। यस पे क्लिक करने के बाद हम इस पोर्टल के अंदर आएंगे। यहाँ से अब हमें अपने फॉर्म की रजिस्ट्रेशन अपना जो फॉर्म है वो यहाँ से भरना है। यहाँ पे थोड़ा ये टाइम लेगा रिफ्रेश होने में, लोड होने में यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है। इस तरह से जो हमारी ये सर्विस है यहाँ पे शो हो जाएगी। दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लोड नहीं हुई अभी। यहाँ से हमारी जो सर्विस है वो यहाँ से हम इसके जो डैशबोर्ड में आए हैं, अपनी सर्विस के डैशबोर्ड में हम यहाँ से आए। सबसे पहले हमने क्या किया, हम अपने पोर्टल में आए, यहाँ से हमने काम किया, हम नीचे आए, यहाँ से स्क्रॉल करके इजी गवर्नमेंट सर्विसेज पे गए, यहाँ पे हमने व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक किया, और इस तरह से हम यहाँ पे इस वाले पोर्टल में आए लाभार्थी पोर्टल में। यहाँ से हमने लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट किया। डिजिटल सेवा कनेक्ट करने के बाद हम अपने पोर्टल में आए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें किसी की जो फाइल है या कोई नई एप्लीकेशन भरनी है या नया एफिडेविट भरना है या लिखना है, तो हम न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास
स्कीम्स और सर्विसेज। स्कीम्स को कुछ नहीं करना है, हम सर्विसेज पे आएंगे। यहाँ पे है कुछ सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च हो गई है, तो रेंट एग्रीमेंट के रिलेटेड अगर हमें किसी का रेंट एग्रीमेंट बनाना है तो रेंट एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये अलग अलग टाइप्स है, टेनेंट है, लैंडलॉर्ड है और एजेंट है, ठीक है। तो इनके दरमियान अगर किसी का भी लैंड अगर किसी का भी रेंट एग्रीमेंट बनाना है तो इनमें से पहले हमको सिलेक्ट करना है। चाहे चलो हम एक लैंडलॉर्ड का करेंगे। तो ये मैं कुछ यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ कि किस तरह से हमें इस सर्विस को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर दिया है, मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, इस ओटीपी को हमें यहाँ पे फिल करना है। तो इस तरह से मेरा मोबाइल नंबर 8865 इस तरह से यहाँ पे हमें ओटीपी देना है। ओटीपी देने के बाद हम करेंगे काम, हम आएंगे इस वाले अकाउंट में। ये कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, जिस कस्टमर के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे तो उसी का यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर दें। अगर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हम आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो इस तरह से हमारे सामने एक एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें एप्लीकेशन फॉर्म के जितने भी डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कि बेसिक डिटेल्स होगी, इसके बाद लैंडलॉर्ड कौन है, इसके बाद टेनेंट कौन है, और इसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स क्या है, इसके बाद रेंटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इस तरह से भरने के बाद हमें कैप्चा को यहाँ पे एंटर करके सेव करना है। तो इस तरह से, और उसके बाद हमें अपनी जो फाइल है इस पे इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमारी जो फाइल है वो आपको मैं दिखाऊंगा कि वो कहाँ पे आएगी। हम यहाँ पे आएंगे अपने पोर्टल में वापस, मोर सर्विसेज पे, ठीक है। तो अब अगर हमें किसी की एप्लीकेशन को ट्रैक करना है तो इस तरह से हम अपने यहाँ पे आते हैं पोर्टल में। तो अभी मैं यहाँ ये वाला जो पोर्टल है इसको मैं कट करके हम जाएंगे यहाँ इस वाले पोर्टल पे जो मेरा अपना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो एप्लीकेशन भरी है अभी, तो वो हम चेक करेंगे उनको हम कैसे आप ट्रैक करेंगे। अभी मैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू यहाँ पे लॉग इन करूँगा। लॉग इन करने के बाद अभी जो ये पोर्टल है यहाँ पे आप सब लोग रजिस्ट्रेशन करके रखो। हाँ, किसी के लिए आप सब पहले रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खोलता है, और उस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को आपने क्या करना है, उसमें कुछ डिटेल्स देनी है, लैंग्वेज, उसमें कंट्री और उसमें स्टेट सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आप इस वाले पोर्टल पे आ जाओगे, यानी इस वाले डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अभी मैंने दो एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो रही है, टू एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन टू, पेंडिंग एप्लीकेशन टू। ये दोनों जो मैंने एप्लीकेशन भरी है ये फॉर मैंने ट्रायल के लिए यहाँ पे भरी थी, मैंने देखना था कि ये कैसे काम करता है 6816। तो अभी ये पूरा जो पोर्टल है अभी ये पूरा फंक्शनल नहीं है, लेकिन इसको एक दो दिन पहले ये लॉन्च हो गया है। तो अभी मैं इस टाइम इसका जो वीडियो बना रहा हूँ 7910 फिर से, जब आप किसी का फॉर्म भरोगे उस कस्टमर का मोबाइल नंबर जब आप दोगे तो वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको ट्रैक के टाइम पे वो देना है, और उसके बाद हाँ आप ट्रैक कर पाओगे। तो इस तरह से मैंने दो एप्लीकेशन यहाँ पे भरी है, दोनों एफिडेविट्स के रिलेटेड है। तो एफिडेविट मैंने एक भरा है, एक एफिडेविट मैंने भरा है नेम चेंज का, और एक एफिडेविट मैंने भरा है इनकम के रिलेटेड। एफिडेविट यहाँ पे अगर हम बनाएंगे, एफिडेविट में हम चार पांच जो एफिडेविट आए हैं यहाँ पे, दो चार यहाँ पे है, चेंज इन नेम, गैप इन एजुकेशन, प्रूफ ऑफ इनकम और डिक्लेरेशन ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। ये चार एफिडेविट हम यहाँ पे बना सकते हैं। अभी ये पूरा जो पोर्टल है अभी ये पूरा एक्टिव नहीं है, अभी ये पूरा फंक्शनल नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे हो सकता है धीरे धीरे इस वाले पोर्टल में जो बाकी सर्विसेज है वो सारी यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगी, और बाद में हमें वो उनका फ़ायदा मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो वीडियो है यहाँ पे एंड होता है कि किस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया कि कौन सी नई सर्विस यहाँ पे CSE में आई है, और इस सर्विस को हम कैसे एक्सेस करेंगे, और इसमें कौन से कैसे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए जिसको सबसे पहले अकाउंट का फॉर्म पहले शो हो जाएगा
उसको वहां पे अपनी कंट्री, अपना अपना स्टेट और लैंग्वेज सिलेक्ट करके वो सीधे फिर डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू लॉगिन कर सकता है। तो जिसको वहां पे डायरेक्टली डिजिटल सेवा पोर्टल पे अथोराइज होगा तो उसको सारी डिटेल्स भरनी नहीं है। तो इस तरह से मेरा जो वीडियो है यहाँ पे एंड होता है। दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सही में अच्छा लगा तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।